है आपका लेसन भाग्य विधाता कौन, तो इसमें कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का रहन सहन अलग अलग होता है, उसके काम अलग अलग होते हैं, किसी के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है तो कोई हजारों कमा रहा है, ये सब अलग क्यों है? तो हम इसका जवाब क्या देते हैं, अपना अपना भाग्य। तो किसी व्यक्ति भाग्य ने बहुत गुमराह कर रखा है, सब व्यक्ति भाग्य के, अब हम सब जने भाग्य पे विश्वास करते हैं, तो भाग्यवाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई? इसको कुछ अकर्मण्य लोगों ने किया। अकर्मण्य मतलब होता है जो निकम्मे लोग होते हैं, कोई काम नहीं करते, तो वो क्या कहते हैं कि अब पूरे दिन तुम पड़े रहो, कुछ खाना ना खाओ, कुछ ना करो, तो कोई मुँह खाना बना हुआ रखा है आपको, मेरे मुँह में खाना अपने आप आ जाएगा, भाग्य से आ जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो अकर्मण्य का मतलब निकम्मे लोग, जो व्यक्ति कुछ कार्य नहीं करते हैं, परिश्रम करने से घबराते हैं, उनके इनकी इच्छा होती है मुफ्त में उनके पास सब कुछ आ जाए, तो और फिर वो क्या रोते रहते हैं, मेरी तो तकदीर ही ऐसी है, मेरा तो भाग्य ही ऐसा है। और जब दूसरे को संपत्ति मिलती है तो उसे कहते हैं उसका भाग्य प्रबल है, ऐसे कहते हैं जैसे अंगूर नहीं मिले तो उसने लोमड़ी ने कहा अंगूर खट्टे हैं, तो इसी तरह आलस्य कामचोरी को भाग्य का नाम दे देते हैं वो लोग। आप लोग अब देखो, जिससे अगर जिसको आप ये मानते हैं ना कि बहुत पैसा कमा रहा है, बहुत भाग्य प्रबल है, उससे पूछो तो वो आपको बताएगा कि दिन रात कठिन परिश्रम करता है। तो मनुष्य जो अपने अकर्मण्य ईर्ष्यालु लोगों ने इसको भाग्य का नाम दे दिया है, तो भाग्य की रचना के करने के बाद विधाता को उसका ईश्वर बना दिया है। भाग्य क्या है? मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्यों शत्रु है? क्योंकि मनुष्य अपने सारे निकम्मेपन को भाग्य के ऊपर डाल देता है। जो लोग मेहनत करते हैं वो कभी भाग्य को नहीं सोचते। मेहनत कौन नहीं करते? अकर्मण्य लोग। अकर्मण्य कौन है? आलसी। तो एक कहानी सुना रहे हैं, किसी नवयुवती जो अविवाहित थी, मतलब उसकी शादी नहीं हुई थी, अपने असामाजिक संबंधों के कारण उसने अपने शिशु को समाज के भय से चुपचाप रात के आखिरी पहर में कूड़े के ढेर पर डाल दिया। मतलब उसको एक लड़की थी जिसकी शादी नहीं हुई, उसके एक बच्चा हुआ, तो डर के मारे उसने कूड़े के ढेर पर डाल दिया। शिशु जीवित था, हाथ पैर मार रहा था। सुबह होते ही राहगीरों की नज़र उस पर गई, भीड़ लग गई। तभी एक ईसाई महिला वहाँ से पहुँची, भीड़ देख कर अपनी कार से उतर आई, उसने सारा नज़ारा देखा और नवजात शिशु को उठाकर ले गई। उसने एक शिशु संरक्षण गृह खोल रखा था। शिशु संरक्षण गृह मतलब अनाथ आश्रम, जहाँ ऐसे बच्चों को जिनको फेंक दिया जाता है उनको रख लेते हैं। तो अवैध और अनाथ बच्चे, अवैध बच्चे वो जिनके पिता का नाम नहीं पता होता, अनाथ बच्चे वो जिनके माता पिता मर जाते हैं, तो उनका पालन पोषण करती थी। और कुछ समय बाद वहाँ पर एक दंपत्ति हस्बैंड वाइफ आए, उन्हें वो बच्चा पसंद आ गया, उन्होंने बच्चे को गोद ले लिया और यह दंपत्ति एक करोड़पति था। इसी तरह वो बच्चा जो है अचानक ही करोड़ों की संपत्ति का वारिस बन गया। अब ये घटना जो है ये शुद्ध भाग्यवादी घटना है, इसे परिस्थिति और संयोग भी कह सकते हैं। तो आपका भाग्य विधाता कौन है? ईश्वर है अगर देखा जाए तो। लेकिन हम अपने भाग्य को खुद ही बनाते हैं और खुद ही छुपाते हैं। एक बार ये क्या, खुद ही बनाते हैं, खुद ही बिगाड़ते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने बर्टेंड रसेल से पूछा था तो कि भाग्य क्या होता है, कैसे होता है? रसेल ने कहा, मन की शक्ति को देने के लिए एक आध्यात्मिक कल्पना का नाम ईश्वर है। मतलब जब हम हारने लगते हैं तो हमारे एक ईश्वर का नाम है, ईश्वर पर हम विश्वास करते हैं, ईश्वर से ही हम डरते हैं। अगर हम कोई चोरी करने जाएं तो हमें क्या लगता है कि ईश्वर हमें देख रहा है, या हम पाप कर रहे हैं तो ईश्वर हमें देख रहा है। तो मनुष्य पर नियंत्रण रखने के लिए किसी न किसी शक्ति की आवश्यकता तो थी, वो शक्ति कौन है? ईश्वर है। तो इसमें, इस लेसन में आपको यही बताया है कि जब आप कभी असफल होने लगें तो घबराएं नहीं, बार बार मेहनत करें। अगर आप अपना परिश्रम करेंगे धैर्य और ईमानदारी के साथ में, तो आप सफल हो जाएंगे। अपने भाग्य के विधाता आप खुद ही हैं। अपना एक योजना बनाइए, अपने काम को स्वयं करिए।